हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप सब मजे में होंगे। अब देखो, एक्सरसाइज 1.5 आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। इस एक्सरसाइज का मेन कंसेप्ट होगा डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो आपको माइंड में एक बात सेट रखनी है कि डिवीजन हम करने वाले हैं, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है? तो ये वाला कंसेप्ट होगा। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे, तो मेरे साथ आप बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो आपको स्किप नहीं करना स्टूडेंट्स, स्किप करने से कंसेप्ट आपका अधूरा रहेगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट के तीन पार्ट है, तीनों एमसीक्यू है, ठीक है? तो फर्स्ट ये है, विच इज ट्रू फॉर नॉन जीरो रेशनल नंबर। देखो नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, ये देखो सर्कल में, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? जीरो के अलावा कुछ भी हो तो कौन सा ट्रू है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए कुछ वैल्यू मान लेंगे रेशनल नंबर की। जैसे एक रेशनल नंबर हम मानते हैं 5, ठीक है? जरूरी नहीं है आप 5/6 मान सकते हैं, बस थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैं एक नेचुरल नंबर मान रहा हूं। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर भी एक रेशनल नंबर होता है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो 5 × मैं फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट चेक कर रहा हूं, पार्ट ए। 5 × −5 करेंगे तो कभी भी 1 नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली, ठीक है? अच्छा, ये इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। अगर -5 को 5 से डिवाइड किया जाए तो -1 मिलता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या हुआ, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन आप चेक कर लें, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सेकंड क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड 5/7 बी डिवाइडेड टू गेट -15/36। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, मतलब कि ऐसा नंबर बताओ जिससे हम 5/7 को डिवाइड करें और -15/36 मिल जाए, ठीक है? तो अब एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझे। जैसे मान लो मैं यहीं पर थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, ठीक है? तो रेड इंक मैं आपके लिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको रफ और फेयर में अलग से डिफरेंस पता चले। अब देखो, मैं अगर ये कहता हूं कि अगर 15 है, मैं इसको किससे डिवाइड करूं, मान लो x से करूं, तो मुझे मिलना चाहिए 3। तो मुझे पता है कि ये 5 होना चाहिए क्योंकि 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 मिला। तो हम क्या करेंगे, इस 15 को 3 से ही डिवाइड कर देंगे, जो हमें चाहिए, जो आंसर हमें चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन में भी हम यही मेथड यूज करेंगे। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर हम यहां पर देखो रफ करते हैं, 5/7 को डिवाइड करते हैं -15/36 से। तो आपको एक रूल ध्यान रखना है कि जब हम रेशनल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, तो डिवीजन को हम करते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और आगे आने वाले रेशनल नंबर का हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं, ठीक है? 36/-15। अब देखो क्या हुआ, 5 × 3 नीचे -3 आएगा, ये वहां 7 कितना था, ओके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स 56 है, 36 नहीं है, ठीक है? ये क्या हमारा 56। अब देखो जब ये 56 है तो 7 से इजीली डिवाइड हो जाएगा 8 times, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 8/-3। देखो ध्यान से, ठीक है? या -8/3 कहते हैं, नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं बी, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है? अब चले थर्ड पार्ट पे। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 92/3, वन ऑफ देम इज 56/3, फाइंड द अदर। तो अदर नंबर फाइंड करना है, फिर से वही कंसेप्ट यूज में लेंगे, जिस तरह से हमने सेकंड पार्ट किया वैसे ही थर्ड करेंगे। कहने का मतलब है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या 92/3 है, तो मतलब कि ये तो प्रोडक्ट करने पे आएगा। जब एक नंबर आपको पता है, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। मान लो मैं आपको कहता हूं कि 10 × 4 = 40 होता है। अब 10 तो आपको पता है, तो 4 कैसे निकाला जाए, ठीक है? तो सिंपली 4 का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 40 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 4 निकल जाएगा, ठीक है? तो उसी तरह से वो जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे, 92/3, इसको हम डिवाइड करेंगे 56/3 से। तो डिवीजन को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, मेथड सीखें, इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो ये हो जाता है आपकी बात 3/56। देखो 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, तो ये 4 से होता है 23 times और ये होता है 14 times, तो आंसर आ गया 23/14। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट वो सी होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए एमसीक्यू। अब हमारे सामने क्वेश्चन आंसर्स हैं, कोई एमसीक्यू नहीं है, अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो सिंप्लीफाई में सेकंड क्वेश्चन, इसके टोटल हम देखते हैं कितने पार्ट्स हैं, ओके 6 parts हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है सारे, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। देखो डिवीजन करना है, सबसे पहले हम मेंशन करेंगे 5/13, डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और नेक्स्ट वाले नंबर को हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। अब देखो 5 से इसको डिवाइड किया 2, 13 से इसको डिवाइड किया 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 3/2। ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन 3/2। अब देखो सेकंड पार्ट, यहां पर 3/-15, ठीक है, 3/-15। अच्छा अब देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब किसी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई या डिवीजन किया जाए तो फाइनल आंसर होता है नेगेटिव होता है। तो हम नेगेटिव यहां पे लिख देते हैं, ये 3/15, ठीक है, नेगेटिव मैंने बाहर कर दिया।
ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल लिखेंगे। अब देखो 5 3 15 और ये क्या होता है माइनस और 3, अच्छा 3 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इजीली देखो हम थोड़ा सा ये कर लें फिर, है ना, हमारे पास जो नंबर था वो था 3/15 × 5/7 और जब 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, और 15/15 × 7 माइनस 12 रहेगा। अब देखो ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाता है -1/7, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड पार्ट में देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, 8 3 = 24 + 2 = 26, ठीक है, मल्टीप्लाई में किया, नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल लिखेंगे हम, तो 13/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/13। इजीली आप देख सकते हो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 13 1 = 13, 13 2 = 26, तो ये क्या होगा इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर 2 हुआ। फोर्थ पार्ट में देखो 25/36 ये हुआ मल्टीप्लाई और 12/15, देखो 12 3 जा, है ना, इजीली देख सकते हो आप कि ये नंबर कैंसिल हो रहे हैं, 12 3 जा, थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं, 12 3 जा 36 और इसको 5 से कैंसिल कर दें, ठीक है, तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, बचे हुए नंबर्स लिखते हैं एक बार, ये हो गया 5/ ये कितना हुआ 3 × 3 1, ठीक है, 3 × 3 और सिंप्लीफाई करने पे मिलता है 5/9, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ में देखो 36/, चलो ब्लैक कलर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ब्लैक भी अच्छा होता है, देखो 36/44 × 11/4, राइट। अब देखो ये किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हुआ 9 टाइम्स और 11 से कैंसिल हो गया है 44 4 टाइम्स, तो इजीली हम इसका आंसर लिख सकते हैं 9/4, ये होगा 9/4। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखेंगे हम, लास्ट में देखो ये हुआ 35/63 × 21/7। अब देखो कितने अच्छे नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर 7 से कैंसिल हो रहे हैं, एक बार हम 7 से कैंसिल कर देते हैं 21 को, आप 35 को भी कैंसिल कर दें कोई दिक्कत नहीं, और 3 से कैंसिल कर दें इसको 21 को, ठीक है, बचे हुए नंबर लिख लें 35/21, फिर से देखो ये 7 से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, तो 7 3 = 21 7 5 = 35 और फाइनली इसका जो आंसर आता है वो 5/3 आता है। तो 6 पार्ट इसके पूरे हो गए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो एक वर्ड प्रॉब्लम है तो बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है, वैसे प्रॉब्लम बहुत इजी है, बाई व्हाट नंबर शुड -4/35 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 8/105। एक देखो सिंपल सी बात है समझने की, अगर मैं आपको कहूं कि मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 50 आ जाए, तो आप क्या करोगे 50 को 5 से डिवाइड करके 10 लिख दोगे, ठीक है, तो जो जिसमें लिखा है टू गेट में क्या लिखा है, टू गेट में लिखा है 8/105, इसको हम डिवाइड कर देंगे इस नंबर से तो हमारा आंसर आ जाएगा इजीली, बस डिवीजन की प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 8/105 डिवाइडेड बाय 4 - 4/35। अब माइनस तो हम बाहर निकाल लेते हैं ना, ठीक है, और 8/105 इसको मल्टीप्लाई किया और ये हमने लिखा इसका रेसिप्रोकल। अब देखो क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड किया 2 और 35 से 105 को 3 टाइम्स, तो ये देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया, तो इसका आंसर होगा -2/3। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, देखो अब आई थिंक इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स काफी हैं बट सब आसान है, ठीक है, देखो एक्स इक्वल टू 5/4 और वाई इक्वल टू -1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो इसको करने का देखो एक तो शॉर्टकट भी है बट शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, वो हमें एमसीक्यूज में यूज करना चाहिए, तो इसको एक प्रॉपर मेथड से कैसे करेंगे, जैसा गिवन है वैसा ही सोल्व करना है, तो देखो हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं मतलब एक्स और वाई दोनों की, एक्स प्लस वाई, वाई क्या है -1/3, ठीक है, और प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस और वाई को मैं से -1/3 इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये हुआ 5/4 प्लस और माइनस बन गया माइनस, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में 5/4 माइनस और माइनस का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो 1/3, बस प्लस और माइनस का फर्क है, ठीक है, तो आगे देखो एलसीएम लेना होगा
ठीक है, जाहिर सी बात है एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बिना हम नहीं कर सकते इसको। यहां से इसका एलसीएम हमने लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, 12, ये थीटा होगा तो 15, और ये माइनस कितना हो गया 4, ठीक है। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम लिया हमने 12, और ये हो गया 15 प्लस 4। अच्छा बाद में क्या करेंगे, 15 माइनस 4 कितना होता है 11 अपॉन 12, और ये होता है 19 अपॉन 12। तो फिर से एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, और ये कितना होता है 30, ठीक है, ये होता है 30 अपॉन, एक मिनट हम कुछ गलती कर रहे हैं, हाँ मुझे लगा था, देखो ये 12 होगा 2 नहीं होगा। अच्छा इनका सम कितना होगा 30, 11 और 19 30 अपॉन 12, ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 2 से, हम डिवाइड कर दें इसको, तो ये 2 से नहीं करेंगे हम 6 से कर देते हैं, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो देखो इसका आंसर कितना हो गया 5 अपॉन 2। कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स एक मिस्टेक होगी, देखो ये प्लस नहीं है डिवीजन है, राइट, क्योंकि जो मेरे पास पिक्चर है वो थोड़ी ब्लर है, मैं करेक्शन कर देता हूं, नो प्रॉब्लम, ये डिवीजन होगा, ठीक है डिवीजन, तो कुछ नहीं थोड़े से माइनर चेंजेस करने अपने को। देखो ध्यान से यहां पर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो डिवाइड करने से क्या होगा, ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो वही डिवीजन की प्रॉपर्टी 11 अपॉन 12 इंटू 12 अपॉन 19, अब 12 से 12 कैंसिल हुआ और इस तरह से हमारा आंसर आ गया 11 अपॉन 19। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, अब मैं इसकी छोटी सी ट्रिक बताता हूं, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए, ठीक है, या आपको अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दें वहां है। देखो हमने क्या फाइंड किया, x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई, ब्रैकेट हटा दिए, y से y कैंसिल हो गया और ये हो गया 2x, 2x का मतलब 2 इंटू, और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सॉरी डिवीजन था ना, हाँ नहीं ट्रिक यूज नहीं होगी यहाँ पे, प्लस होता तो यूज हो जाती, ठीक है। अच्छा यहां भी मैं करेक्शन कर देता हूं, देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती, ये डिवीजन है और क्वेश्चन में भी डिवीजन, ये फोटो ब्लर होने की वजह से ये प्लस जैसा अपीयर होता है। ओके स्टूडेंट्स नो प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली है। चलिए कौन सा करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ओके देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अच्छा अब देखो मैं थोड़ा सा टाइम सेव करता हूं, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, आपके पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा इसका आंसर लिखता हूं और आपको समझाता हूं, नो प्रॉब्लम, मैं पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिवाइड द सम ऑफ, तो देखो इसके सम को डिवाइड करना है, किसका सम, 3 अपॉन 11 और प्लस 2 अपॉन 5, ये सम हो गया। डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय देयर प्रोडक्ट, यानी इनके प्रोडक्ट से इनको डिवाइड करना, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, 2/5, तो इसके सम को हमने इनके प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया, 3 11 2 5। अब देखो आगे क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, जैसे ही हम इसका सम निकालते हैं हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, दो रेशनल नंबर्स का अगर सम और डिफरेंस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, अगर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो। देखो इसका जो एलसीएम आता है वो 55 आता है, ठीक, ये 55, तो 11 5 जा हो गया और ये हुआ 15, प्लस ये 11 जा हुआ और 22। डिवीजन में देखो हम सिंप्लीफाई करते चलते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, कैंसिल हो नहीं रही है, तो 3 2 जा 6 और 11 5 जा 55, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 15 प्लस 22 होता है 37 अपॉन 55, अब हमें वो प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके हम उस नंबर का रेसिप्रोकल लिखते हैं। अब देखो इजीली हम नंबर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, जहां तक हो रहे 55 और 55 कैंसिल हो गए और इस तरह से हमारा जो आंसर आता है वो आता है 37 अपॉन 6, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके स्टूडेंट्स सिक्स क्वेश्चन में पूछा है सिंप्लीफाई, देखो सिंप्लीफाई का मेन जो मतलब होता है वो क्या होता है कि आपको कैसे भी करके उसका आंसर पता करना है, सिंप्लीफाई करना है उसको, है ना, जो भी फाइनल आंसर वो आपको बताना है। अब इसमें दो बार डिवीजन दिया है, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, चलो सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में 4 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय, अब ये जो नंबर्स हैं वो देखो 2 अपॉन 9 एंड डिवाइडेड बाय 14 अपॉन 27। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो इसमें होगा 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई हो गया और रेसिप्रोकल हमें मेंशन करना है। अब कैंसिल आउट कर दे, देखो 2 7 जा 14 9 3 जा 27, तो क्वेश्चन कैसे बन जाता है 4 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 2। अब क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे 2 अपॉन 3। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, राइट, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखो, ये हो जाएगा
ये 3/7, ठीक है, 3/7, और ये हो गया 7/3। तो सिंपल इसका जो आंसर है वो हो जाता है, 7 से 7 कैंसिल कर दिया हमने, और ये हो जाता है 4/3। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सारे सब जो है वो इसी मेथड से हम सेकंड पार्ट करते हैं। नेगेटिव साइन है, थोड़ा सा केयरफुल रहना। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, -5/39 डिवाइडेड बाय 20/13, ये ब्रैकेट में, और अब की बार डिवीजन आगे दिया गया है, ठीक है, तो -5/3। देखो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो है उसको हम सोल्व करते हैं, -5/39 और इंटू 13/20, ठीक है, 5/39 इंटू 13/20, और नेक्स्ट वाला एक बार हम एज इट इज रखते हैं, -5/3। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से क्या हम इस माइनस को बाहर निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 5 4 जा हो गया 20 और 13 3 जा 39, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, -1/ ये 4 3 जा 12 हो गया, और डिवाइडेड बाय -5/3। आप यहां देख सकते हो कि दो नेगेटिव नंबर्स हैं, और जब दो नेगेटिव नंबर हो तो डिवीजन करो या मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। तो फिर नेगेटिव को हम स्किप कर देंगे, और हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई में, और ये होगा 3/5। अब ध्यान से देखो, ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 4 जा 12, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1/4 × 5, और ये बन जाता है 1/20। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब देखो थर्ड पार्ट देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, ठीक है ना, तो इस 3 के नीचे हम 1 लगा दें, देखो ये 1 लगा दें, ठीक है, देखो अगर 1 लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ना है तो भी चलेगा, ठीक है। तो बस आप कंसेप्ट समझे। अब देखो ब्रैकेट के अंदर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके 1/3 मेंशन करते हैं, और बाहर 1/6। अब ये क्या हुआ, 1/15 हो गया, डिवाइडेड बाय 1/6 हो गया, इसको 1/15 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 6/1, 3 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, तो सिंपल इसका आंसर हो जाता है 2/15, ठीक है। और लास्ट इसका फोर्थ पार्ट हम सोल्व करते हैं, तो देखो फोर्थ पार्ट इसका है, फोर्थ पार्ट देखो इसका, -3/26, -3/26 डिवाइडेड बाय 6/33, और ये ब्रैकेट में बाहर एक और डिवीजन, और 11/33। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, 3 26 33, ओके करेक्ट। अब देखो इसमें थोड़ा कलरफुल स्टडी करते हैं, ठीक है, अच्छा वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, ये इस तरह से हो जाएगा मल्टीप्लाई में करके, और ये जो नंबर है यहां इसका रेसिप्रोकल आएगा, तो कितना आएगा, 33/6, राइट, और बाहर एक बार ऐसा ही, इसको नहीं छेड़ना हमें, इसको बाद में करेंगे। अब देखो कैंसिल आउट करते हैं हम, इस माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, फिर से वही कंसेप्ट, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो ये हो गया 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 हुआ, और ये 33 और ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -3/26 डिवाइडेड बाय 11/13, और ये होता है -3/26, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अब देखो कौन से नंबर्स कट रहे हैं, ये होता है क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, तो ये होता है हमारे पास 13 2 जा, ठीक है, और बाद में आई थिंक कुछ गलत हो रहा है, एक बार चेक करते हैं, हाँ छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। देखो यहां पर हमने जो लिखा है वो 33 है, 33 बना देता हूं मैं इसको, ठीक है, 33 है, ये बाई मिस्टेक 3 लिखा गया था। चलो अब इसके बाद देखो क्या होगा, तो -33/26 मल्टीप्लाई करेंगे 13/11, ठीक, कैंसिल आउट कर देते हैं, देखो ये हो जाता है 13 2 जा, और ये हो जाता है -3 times, ठीक है, -3 times हो जाता है, राइट। देखो फिर से मिस्टेक हो रही है, इधर देखो हमने क्या किया, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो ये 3/52 हो गया था, राइट, 3/52 हो गया था, अब की बार हम मिस्टेक नहीं करेंगे, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 33/52,
अब इसको हम क्या करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं 13/11। तो देखो ये हो गया 3 जा, ठीक है, और ये हो गया 4 जा, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, -3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अगर छोटी सी भी मिस्टेक आप कर देंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में देखो क्या है, मैं आपको थोड़ा बताता हूं, ध्यान से सुने आप, स्किप नहीं करें बिल्कुल भी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, बात को समझो थोड़ा सा। वैसे मैं आपको लीनियर इक्वेशन बनाकर भी बता सकता हूं, एक्स मान के हम थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन बना के सोल्व भी कर सकते हैं। देखो अब मैंने एक नंबर लिया मान लो 50, मैं पूछता हूं कि इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे 25 मिल जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि नंबर तो 2 होगा, लेकिन हम 50 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से हम इस 4/5 को 8/125 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं, तो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इज देखो 4, क्योंकि हमें 4/5 को डिवाइड करना है और 8/125 चाहिए, तो अपन 8/125 से ही डिवाइड कर देंगे, रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा जैसा मैंने आपको अभी बताया, डिवाइडेड बाय 8/125। अब रटे नहीं है बिल्कुल, रटने से आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अब वही प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 125/8। देखो ये तो हो गया 2 जा और ये हो गया 25 टाइम्स, तो इस तरह से हमारा आंसर आता है 25/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 25/2। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स फिर से मैं थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूं, ओके, टाइम सेविंग टेक्निक। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखता हूं, ये कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ 78/12, ध्यान से देखना, 78/12 एंड 8/3, हमें इस सम को डिवाइड करना है बाय द डिफरेंस। तो बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, बाय द डिफरेंस, डिफरेंस में 78/12 और -8/3, बात समझे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। देखो इसकी लैंग्वेज समझना जरूरी है, अगर आप लैंग्वेज गलत समझते हैं, गलत इंटरप्रेट करते हैं, तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि आप रॉन्ग प्रोसेस यूज करेंगे। डिवाइड द सम ऑफ 78/12 एंड 8/3 बाय द डिफरेंस, ओके चलो सॉल्व करते हैं, और ये है क्वेश्चन 8। ठीक है, 7 नहीं है, क्वेश्चन 8, चलो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 8 को। वैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जब सम निकालना है तो हम यहां क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 12, ये 1 टाइम होता है 78 प्लस ये 4 टाइम होता है, तो 8/4 = 32। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां भी हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था दो रेशनल नंबर्स में अगर सम और डिफरेंस हम कर रहे हैं तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, जब वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। यहां पे फिर से 12 आ गया, ये 1 टाइम हुआ 78 और -3/4 = 32, तो 8/4 = 32। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखो मतलब सम को डिवाइड करना है डिफरेंस से, है ना, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है, ओके, ना डिवीजन है ना मल्टीप्लाई, डिवीजन एक बीच में है, राइट। अब देखो क्या करेंगे, 78 + 32 कितना हुआ, 110, क्योंकि 70 और 30 100 और 100 में 11, 100 में 10 110, ठीक है, अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 78 में से 32 गया तो 6 और 4 46, 78 हो गया, फिर से 12, अब डिवीजन वाला कंसेप्ट मतलब वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये हो गया नेक्स्ट वाले का रेसिप्रोकल। देखो हमने कोई मिस्टेक नहीं की, अब देखो कैंसिल कर दो, 12 से 12 कैंसिल होगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 55 टाइम्स और ये होगा 23 टाइम्स। ठीक है, तो आई थिंक ये देखो इसका आंसर जो है हम चेक कर लेते हैं, 12 से 12 कैंसिल हो गया और चलो सही है 55/23। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स फिर से 2 बार डिवीजन आ गया, एक बार ब्रैकेट के अंदर एक बार ब्रैकेट के बाहर, नो प्रॉब्लम, जब प्रॉपर्टी में पता है तो फिर डरना किस बात का है, इजीली हमारा आंसर आएगा। कैलकुलेशन पर ध्यान रखें, प्रॉपर्टी पर ध्यान रखें। ठीक है, देखो -3/15 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 35 ओके अपॉन -12 और ये होता है इनटू 28/1, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया हमने। ठीक है, 35 इसका रेसिप्रोकल नहीं करना है, राइट, अभी गलत हो जाता, ये तो एज इट इज रहेगा, तो 1/28 का रेसिप्रोकल 28/1। अब देखो कैंसिल कर दो, किससे करेंगे, हम करेंगे इसको 7 से, 7/4 = 28 और 7/5 = 35, तो
थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब देखो सेकंड ब्रैकेट में नेगेटिव साइन था, उसको एक बार हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अंदर रहने दो। इसका हो गया 12 फोर जा 48, 48 अपॉन 35, ठीक है। और इसके बाद में हम एक बार चेक कर ले, हम 35 माइनस 12 अपॉन 35 और 28 अपॉन 1, 7 फोर जा 75 जा, ठीक है। अब देखो दो नेगेटिव साइन हमारे पास है तो डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव मिलेगा। और 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे 35 अपॉन 48, देखो कितना हो गया, ये हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 35 नहीं ये सिर्फ 5 आएगा, ठीक है। इसको हम 5 कर देते हैं और यहाँ इसको फिर से एक बार सोल्व करते हैं। तो इधर माइनस 3 अपॉन 5, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव है और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, इंटू 5 अपॉन 48, देखो 5 से 5 तो कैंसिल होता है और 3 से 48 16 टाइम कैंसिल होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाता है 1/16। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 को हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट मुझे थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, ठीक है, नाइन्थ का सेकंड। तो इसमें माइनस टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय 9/7 डिवाइडेड बाय 5/-9, ठीक है, माइनस टू थ्री नाइन सेवन 5/-9। चलो देखते हैं इसमें, और अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और ये हमारे पास होता है माइनस 2/3 इंटू 7/9, ये 5/-9। देखो क्या होता है, कैंसिल तो हो नहीं रहा, राइट, 2, 3 और 7, 9 कोई कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो ये होता है माइनस 14/27 और डिवाइडेड बाय 5/-9। फिर से दो नेगेटिव साइन आ गए, चाहे ऊपर नीचे आए चाहे एक ही साइड में डायरेक्शन में आए, कैंसिल हो जाएंगे और 14/27 मल्टीप्लाई बाय 9/5, ठीक। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, 9 से 27 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है और देखो ये हमारा आंसर आ गया 14/3 इंटू 5, दैट इज 14/15, देखो 14/15, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, नहीं लास्ट तीन क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन तक है। चलो 10th क्वेश्चन में पहुंच गए हम, 10th क्वेश्चन देखते हैं, 10th में क्या पूछा गया है। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये जो क्वेश्चन है इसके जैसे ही कुछ क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 18/121, इफ वन नंबर इज 2/3 फाइंड द अदर नंबर। चलो करते हैं सोल्व। सो इस क्वेश्चन में देखो, अब देखो 18/21, मैंने अभी आपको बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मान लो 70 है, आपसे पूछा जाए कि किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास 7 आए, तो जाहिर सी बात है 10 होगा, 10 कैसे आएगा, 70 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जो नंबर है गिवन है, जो प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करेंगे, ध्यान में रखना जो प्रोडक्ट है। तो फिर थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इज, अच्छा मान लो एक बार हम x मान के करते हैं, आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट मेथड बता देता हूं, क्योंकि पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने डायरेक्ट बताया, अब मैं थोड़ा मेथड से इक्वेशन बना के बताता हूं। रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं लिखनी है, मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो नंबर का प्रोडक्ट, तो एक नंबर हमारा है एक्स, दूसरा हमारे पास 2/3, ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 28/121 है, ठीक। अब देखो x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 28/121 और हम डिवाइड कर देंगे 2/3 से, जो भी नंबर प्रोडक्ट में उधर जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, 28/121 डिवाइडेड बाय 3/2। अब देखो कैंसिल कर दो 2 से इसको, 14, और ये हो जाता है 14/3/121, तो इसका आंसर जो है वो हो जाता है 42/121, देखो ये इसका आंसर है, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखते हैं, अब मुझे लगता है कि आपको इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो 11th में फिर से वही है, बाय व्हाट नंबर शुड 44/-7 बी डिवाइडेड टू गेट -11/3। देखिए स्टूडेंट्स फिर से बताता हूं कि इसमें जो नंबर गिवन है वो है 44/-7, है ना, इसको हम किससे डिवाइड करें। मैं आपको अब पूछता हूं कि अगर मैं 100 को किसी नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे मिलता है 20, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 से डिवाइड करना है, ये 5 कैसे आएगा,
100 को 20 से ही डिवाइड कर दो, जो अदर नंबर गिवन है उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इस टेक्निक का यूज करो आप, बहुत मजे से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर इज, ठीक है, तो 44 अपॉन माइनस 7 इसको उससे डिवाइड कर दो, जो लिखा ना टू गेट माइनस 11 और बाय 3, ठीक है। तो दो नेगेटिव नंबर है, आप नेगेटिव साइन को तो भूल जाएं, अब क्या करें ये मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है। तो 44 7 और 3 अपॉन 11, राइट। अब देखो ध्यान से देखें, हम इसको 4 टाइम्स हम कैंसिल करेंगे, 11 4 जा 44, जो नंबर आया 4 इंटू 3 अपॉन 7, और इस तरह से इसका आंसर होता है 12 अपॉन 7, ठीक है। और आखिरकार हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 75 3/4, लेंथ गिवन और ब्रेथ निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। सो हम कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, देखो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इज 12 and 5/8 meter, और इसका जो एरिया है वो है 75 3/4 square meter, क्योंकि ये तो स्क्वायर में होती है ना यूनिट एरिया की, याद रखें। क्या पूछा है इसकी, फाइंड इट्स ब्रेथ पूछी है, तो 75 3/4 और 12 and 5/8। चलो अब एरिया का फॉर्मूला आपको यूज करना है, ध्यान से देखें, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है L into B is equal to हमारा होता है एरिया, ठीक है। और साथ साथ में स्क्वायर का भी बता दूं, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ओके। तो रेक्टेंगल का L into B, अब देखो वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो L जो है वो क्या है 12 and 5/8, और B हमें पता नहीं है एज इट इज रखें, एरिया है 75 3/4 square meter, ठीक है। यहां भी एक मीटर हम लगा दें और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये जो वैल्यूज आ गई, ठीक है, इस तरह से मेंशन कर दें। अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आया तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 12 से कितना हुआ 96 प्लस 5 101 अपॉन 8 meter, और मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, और ये जो होता है 75 4 से कितना होता है 300, तो ये ऊपर आता है 300 plus 3 303 upon 4 स्क्वायर मीटर। अब एक बात ध्यान में रखने की है कि जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो मीटर में मेजर होती है, स्क्वायर मीटर में नहीं, तो हमारा आंसर अल्टीमेटली मीटर में आएगा, राइट। अब देखो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 303 और अपॉन 4 इसको हम डिवाइड कर देंगे 101 अपॉन 8 से, क्योंकि वो वैल्यू जो प्रोडक्ट में इधर आके डिविजन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये होता है 303 अपॉन 4 into, ठीक है, इसके आगे हम मीटर लगा देते हैं, देखो मीटर, क्योंकि ब्रेथ हमेशा मीटर में आएगी, और ये रेसिप्रोकल कर देते हैं 101। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये हम 4 से इसको कैंसिल करते हैं 2 times, ठीक है, बाहर हम एक मीटर, ये यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, और 101 से हम इसको डिवाइड करते हैं 3 times, ठीक है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आता है वो होता है 3 into 2 meter, और ये हो गया इसका आंसर 6 meter, तो इस रेक्टेंगल की ब्रेथ होगी 6 meter। ओके स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज 1.6 के साथ, ओके शेयर करते रहना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में।